और यहाँ मैं बहुत ही बुरी तरह से अटक गया हूँ, मतलब खेल शुरू होने से पहले ही खत्म दिख रहा है मुझे। Hey guys, this is Jam and most welcome to this vlog. What is up everybody? So बेतिया वालों, कैसा है तुम्हारा हाल? जैसे कि सबको मालूम है, आज बहुत ही हार्ड बारिश हुआ है बेतिया सिटी में। एक्चुअली पूरे वेस्ट चंपारण में बहुत ही हार्ड बारिश हुआ है, और इसका सबूत मेरे पीछे ये दिख रहा येलो और नीले पीले पानी है। अभी मैं राजदेवड़ी में हूँ और आप देख सकते हैं पीछे मंदिर है, और बेतिया का हालत है बहुत ही बुरा। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको कि बारिश की वजह से एक्चुअली में बेतिया का हालत क्या है और कैसे हो जाता है। और जो डेवलपमेंट है, एक्चुअली जब बारिश होती है तभी शहर का जो असली डेवलपमेंट है वो पता चलता है। तो आइए देखते हैं बेतिया का हालत कैसा है। यहाँ मैं बहुत ही बुरी तरह से अटक गया हूँ, यहाँ मेरी बाइक बंद हो गई है, और सामने जो बंदा आ रहा, भाई 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 रुक जाओ आराम से, बीच में गड्ढा है, देख के जाओ देख के। ये जो भाई दिख रहा है ना, जो अभी आया है, सामने ही गिरा था मेरे सामने, और इतना फास्ट गाड़ी लेके आ रहा है ना इतने गड्ढे में। और गाइस जिस रोड में मैं अभी हूँ, बेतिया वाले लौंडे जो होंगे वो पहचान लेंगे कि कौन से रोड में हूँ मैं। एक्चुअली मैं हूँ सुप्रिया वाले रोड से जो घुसते हैं, सुप्रिया से जो आगे जो उज्जैन टोला निकलते हैं जनता सिनेमा वाले रोड पे, मैं सोचा कि मैं शॉर्टकट से यहाँ निकल जाऊँगा। लेकिन अभी जिस हालत में हूँ वो आपको दिख ही रहा होगा, बहुत ही बुरा हालत है यहाँ। और यहाँ मैं बहुत ही आराम से चल रहा हूँ, दोनों तरफ नाला है। भाई कहाँ से जाऊँ, कौन सा, ये राइट साइड में भी नाला है क्या? अच्छा ठीक है आराम से चलता हूँ मैं। तो गाइज आप देख सकते हैं कितना बुरा माहौल आगे। अच्छा आगे भी, तो मैं ये यहाँ पे टर्न पे आ गया हूँ, और ये जो सामने जो घर दिख रहा, ठीक है। तो ये बंदा मुझे बेचारा, वो कब से हेल्प करते आ रहा है, पीछे से ही बेचारा बता रहा था कि हाँ यहाँ से जाओ वहाँ से जाओ। तो ये जो आ गया मैं, और आगे आ गया, और सामने पता नहीं कैसा रोड है, बहुत देख देख के चलना पड़ रहा है। वो एक बाइक वाला गया तो थोड़ा अंदाज़ा लग रहा है कि हाँ कहाँ से जाना है, बीच से निकलना, और बहुत ही मुश्किल हो रहा है फ़िलहाल गाड़ी चलाना, हाथ दर्द हो गया मेरा ब्रेक और क्लच ले के। तो अभी मैं फाइनली, ऐसा लग रहा है मैं बाहर आने ही वाला हूँ। तो आगे चल के मुझे थोड़ा सा, अच्छा आगे पानी ख़त्म हो गया ये, तो गाइस मैं बाहर आ गया। तो ये वाले रोड पे आपने देखा कितना बुरा माहौल है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेतिया का कितना बुरा माहौल है। और ये जिस रोड पे मैं चल रहा हूँ ना, ये दो बढ़िया एरिया को जोड़ता है। रोड पे आ गया हूँ, ये जनता सिनेमा वाला रोड है, और इधर भी इधर थोड़ा बहुत कम पानी लगा है, और दोनों तरफ थोड़ा कुछ खास पानी वानी दिख नहीं रहा है, बस थोड़ा थोड़ा सा है। और ये वाले रोड पे, जो मीना बाज़ार वाले रोड पे है, यहाँ चल के देखते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी, या पानी देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा पानी वानी लगने का एरिया वही है जो मीना बाज़ार है, जिस रोड पे हम अभी जा रहे हैं इसी रोड से चलते हैं। आप देखते जाइए, ये देखिए जो ये रोड है जो आप मेरे बाइक के आगे दिख रहे हैं, यहाँ देखिए एक बड़ा सा गड्ढा है, यहाँ मैं एक बार गिरने से बच गया था, अभी वो गड्ढा दिखेगा। ये जो गड्ढा दिख रहा है ना, ये इसमें जो अचानक घुसेगा ना वो गिर जाएगा, जो सामने दिख रहा है। तो इस गड्ढे से मैं हमेशा बचता हूँ, और अचानक ही बच जाता हूँ मैं ऑटोमेटिक, क्योंकि जब से मैं ये सब एरिया में घूम रहा हूँ, जब से मैं ज़्यादातर रोड पर ही ध्यान दे रहा हूँ, क्योंकि इधर के रोडें बहुत ही बेकार हैं, और डेवलपमेंट नाम का कोई भी चीज़ नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बुरा माहौल है। और मीना बाज़ार में पहुंच गया हूं, अभी चल के अंदर देखते हैं कि क्या माहौल है। ये मैं मार्केट के अंदर आ गया हूं, अभी देखते जाइए आप यहां का माहौल। ये देखिए गड्ढा, इतने गड्ढे हैं ना इस मार्केट में, जबकि बेतिया का सबसे बड़ा मार्केट यही है। यहाँ का माहौल देख के आपका होश पक्का उड़ जाएगा, क्योंकि मैं जब भी आया हूँ यहाँ पे मुझे बहुत ही बुरा लगता है ये तो। और
कचरा पट्टी पूरा भरा पड़ा है इस एरिए में, और जैसे कि आप देख सकते हैं पानी दोनों तरफ। अभी देखते जाइए, चलिए आगे देखते हैं। जो गरीब हैं, जो बेचारे गरीब लोग हैं, उनका तो कोई गुजारा ही नहीं दिख रहा, कैसे गुजर कर रहे हैं वो लोग। ये देखिए गड्ढा, बात बात पे गड्ढा है। ऐसा लग रहा है कि सड़क में गड्ढा नहीं, गड्ढे में सड़क है। मतलब जो गवर्नमेंट के लोग हैं, जो बड़े पद पे बैठे हैं, जो बकचोदी में आगे हैं, वो काम कब कराएंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। और अभी जो अंदर चलते हैं, ये जो आपको सब्जी मंडी दिख रहा है सामने, ये बेतिया का सबसे बड़ा सब्जी मंडी है। यहाँ तो फिलहाल हल्का रोड बन गया है तो सही लग रहा है, और जो नीचे था वो बहुत ही बुरा रोड था। इस रोड पे जो दोनों तरफ दिख रहा है आपको, दोनों तरफ सब्जी बेचते हैं लोग, और ये जो अंदर जो लोग जा रहे हैं लेफ्ट साइड के, तो ये लेफ्ट साइड में जो लोग जा रहे हैं ये मार्केट है अंदर, और राइट साइड में ये जो पूरा मेडिकल का प्रॉपर्टी है, जो मेडिकल बन रहा है। और अभी हम दूसरे साइड से चल रहे हैं। ये आप पानी देख लीजिए कितना बुरा लग रहा है, और गंदगी कितना ज़्यादा है इधर। ये मेडिकल वाला रूट है, अभी जहाँ हम लोग हैं ये मेडिकल वाला रूट है, और इधर ही आपको सबसे ज़्यादा गंदगी मिलेगी। ये मस्जिद है, जंगी मस्जिद सामने। इस मस्जिद के बहुत बड़े बड़े हिस्ट्री हैं, और इसके जो ये सामने रोड है, ये नाजनी चौक है सीधा जो जाता है, और हम पीछे से जो आए हैं ये मीना बाज़ार रोड था। उस टाइम पे शायद तो पठान लोग रहते थे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो उनमें जो एक बड़े थे, बड़े बुजुर्ग थे, उनका नाम जंगी था, तो उनके नाम पे ये मस्जिद का नाम जंगी पड़ा था उस टाइम। अभी जो लेफ़्ट लेके मैं अभी इस रोड पे आया हूँ जिस पे मैं अभी चल रहा हूँ, तो ये रोड है मेडिकल रोड, और सामने मेडिकल बन रहा है, पूरा कंस्ट्रक्शन चालू है। लेकिन आप देख सकते हैं इस रोड का कितना बुरा हाल है, और इस एरिया में कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है, आप सामने देख सकते हैं। बहुत ही बुरा लग रहा है ये। सीधा सीधा चलने पे जो पुराना वाला गेट है मेडिकल का, वो आएगा अभी थोड़ी देर में। ये जो आप गेट देख सकते हैं, ये पुराना वाला गेट है मेडिकल कॉलेज का, और सामने जो एक गेट बन रहा है नया वाला, वो अभी कंस्ट्रक्शन चालू है। और हम अभी आ गए हैं, ये जो घर दिख रहा है सामने आपको, ये क्रीम कलर वाला, यहाँ के जो MP हैं संजय जायसवाल, उनका घर है। और जो ब्लू वाला है, ये मंजू चौधरी जो डॉक्टर है उनका घर है। और सामने चल के देखते हैं जो मेन गेट है, ये जो गेट आपको दिख रहा है ये है मेन गेट। ये पढ़ सकते हैं आप, पूरा नाम लिखा हुआ है यहाँ पे। थोड़ा राजदेवड़ी वाले रोड में चल के देखते हैं। ये जो चौराहा आप देख रहे हैं ये सीधा राजदेवड़ी जाता है सीधा, और यहाँ का भी बहुत ही बुरा माहौल है। अभी मैं यहीं से गया था वापस, और इस साइड जाएंगे तो नाजनी चौक और कालीबाग है, लेकिन अपन सीधा चलते हैं। और आप देख सकते हैं, आप पानी देख सकते हैं, दोनों तरफ कंटिन्यू पानी है, और इधर भी बुरा माहौल है, कीचड़ और पानी से भरा हुआ, और रोड पूरा ही पूरा ख़राब है। कहीं का भी रोड मुझे सही नहीं दिख रहा है इधर। अभी हम गर्ल्स स्कूल क्रॉस कर चुके हैं, जो लेफ्ट साइड में रेड कलर का ये है, ये गर्ल्स कॉलेज है। और सीधा सीधा चलने पर आप ये रोड देख लीजिए, फिर से बहुत ही बुरा रोड है। यहाँ से अपन सीधा चलते हैं, और ये वाला रोड जो है लाल बाज़ार जाता है। लाल बाज़ार का भी आप माहौल बेकारी है। ये जो रोड देखिए आप, दोनों तरफ पानी लगा हुआ है, और यहाँ कंटिन्यू पानी रहता है। ऐसा बुरा माहौल है बेतिया का बारिश के दिनों में, तो आप कमेंट डाउन करके ज़रूर अपना राय देगी कैसा है बेतिया सिटी बारिश के दिनों में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग।